नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस इतिहास के चतुर्थ प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और हम आज देखेंगे कि पर्यटन के नए रूप कौन कौन से हैं। जीवन में ज्ञान के विस्तार के साथ साथ मनुष्य की वृत्ति में भी निरंतर बदलाव आता है। पर्यटन के साथ भी वही हुआ, ज्यों ज्यों ज्ञान के नए द्वार खुलते चले गए त्यों त्यों घूमने की मनुष्य की प्रवृत्ति भी और अधिक विकसित और परिवर्तित होती रही। आरंभ में मनुष्य की यात्रा का ध्येय तीर्थाटन न जाने हुए जानने की जिज्ञासा, मन के भीतर के सुख को यात्रा में पाना था। यही मध्य युग तक पहुँचते पहुँचते यात्रा के दूसरे और उद्देश्यों से भी जुड़ते चले गए। धार्मिक कारणों, युद्धादि के कारण भी जाने वाली प्राचीन यात्राएं अब ज्ञान, नई चीज़ों का पता लगाने, व्यापार और मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से की जाने लगी। वास्को डिगामा, कोलंबस, मार्को पोलो, हिंसंग आदि की यात्राएं इसी प्रकार की थी। इसी दौरान यात्राओं का नया रूप भी उभर कर सामने आया, जिसे तब नया पर्यटन कहा गया। आज ये सोचकर ही अचरज होता है विद्यार्थियों कि वह जो वास्तविक पर्यटन का आरंभिक दौर था, उसे ही नया पर्यटन का नाम दिया गया है। तो फिर अब पर्यटन की जो वृत्तियां विकसित हो रही है, उसे क्या कहा जाए। दरअसल काल की गति के साथ साथ नए शब्दों के मायने भी बदलते चले गए। कल जो नया था, आज वह पुराना है, परंतु उतना ही सच यह भी है कि आज जो नया है वह कल पुराना भी हो जाएगा। ऐसे में नया शब्द शाश्वत ही कहा जाएगा। पर्यटन के इधर तो नित नए रूप सामने आ रहे हैं, उधर ये पता चलता है कि पर्यटक अब प्राकृतिक सौंदर्य और नए स्थानों की सैर तक ही सीमित नहीं रहा। पर्यटन के अंतर्गत पर्यटक अब नवीन अनुभूतियां भी करना चाहते हैं। ये अनुभूतियां ऐसे हैं जिससे मन का सुकून बहुत मिलता है। बहुत से पर्यटक ऐसे भी हैं जो एक पंथ दो काज करते हैं, यानी घूमने का घूमना और साथ में कोई अपना कार्य भी उस दौरान कर लिया करते हैं। विद्यार्थियों, हम बहुत से मेले में देखते हैं, बाहर से बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, अपना माल बेचते हैं और साथ में यात्रा भी कर लेते हैं। धार्मिक स्थानों के, मंदिरों के, पूजा स्थलों के दर्शन भी कर लेते हैं। जैसे पुष्कर में जो विदेशी आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और उन प्रोडक्ट बेचने और उनसे धन कमाने के साथ साथ वह यहाँ के पशु मेले का, ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शनों का, सावित्री माता मंदिरों के दर्शन का और नए रंग जी के मंदिर के दर्शनों का आदि भी लाभ लेते रहते हैं। ऐसे में हमें पता चलता है कि पर्यटक जो आता है वह घूमने के साथ साथ एक पंथ दो काज भी करते हैं, यानी घूमने का घूमना और साथ में अपना कोई कार्य। बहुत से ऐसे पर्यटक भी हैं जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ही पर्यटन को अपनाते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जिन्हें रोमांच की तलाश पर्यटन में ढूंढनी है, तो धरती से परे आकाश को छूने की चाह में अंतरिक्ष पर्यटन को पसंद करते हैं। यही नहीं, अब तो विवाह के लिए भी पर्यटन किया जाने लगा है, यानी जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे पर्यटन से जोड़कर नहीं देखा गया हो। कहा जा सकता है कि पर्यटन का आकाश अब असीमित हो गया है। पर्यटन को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। पर्यटन की यही उभरती प्रवृत्तियां हैं जिन्हें पारंपरिक के बजाय विकास से जुड़े मुद्दों को जोड़ते हुए पर्यटन का सुनियोजित प्रबंध किया जाने लगा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पर्यटन अब पहले से ज़्यादा व्यवस्थित हो गया है और विभिन्न रूपों में पर्यटकों को लुभाने वाला हो गया है।
पर्यटन के कुछ नए रूप हमारे सामने इस प्रकार आते हैं, जैसे ग्रामीण पर्यटन, पारिस्थितिकीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन, क्रूज पर्यटन, विवाह पर्यटन, ज्योग्राफिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन। विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हम इन सारे पर्यटनों का विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही।